हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मिल्क पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है, आधी छोटी चम्मच पिसी हुई चीनी लिया है, आधी छोटी चम्मच नमक लिया है, चार छोटी चम्मच घी लिया है। सभी को मैदे में अच्छी तरह से मिला लेना है। मैदे की बाइंडिंग हो रही है, अब हमें गुनगुने दूध से इसे गूंथ लेना है। एक सॉफ्ट डो बना लेना है। डो हमारा रेडी है, अब इसके ऊपर थोड़े से घी लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देना है। अब 10 मिनट हो गए हैं, अब डो को चिकना कर लेना है। अब इसकी लोई बना लेना है। चार लोई मैंने बना लिया है। एक लोई लेकर इसे अच्छी तरह से चिकना कर लेना है। चकले पे थोड़े से सूखे मैदे को डाल लेना है। अब लोई को गोल आकार में बेल लेना है। दो चम्मच मिल्क पाउडर लिया है, इसमें एक चम्मच पिसी हुई चीनी मिला देना है। पराठे के चारों ओर घी लगा देना है। इसके ऊपर मिल्क पाउडर के मिक्सचर को डाल देना है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है। स्क्वायर शेप में इसे बना लेना है। किनारों को इस तरह से दबा देना है। अब इसे फिर से बेल लेना है। इसे इतनी मोटाई में बेल लेना है। मीडियम स्लो आंच में इसे सेक लेना है। दोनों साइड से घी लगाकर सेक लेना है। चारों तरफ से दबाकर इसे फुला लेना है। ये पराठे खाने में काफी टेस्टी लगते हैं, इसे आप लोग एक बार जरूर ट्राई करें। सभी पराठे हमारे फूले फूले बने हैं। इसे आप फ्रेश दूध की मलाई के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सुपर टेस्टी पराठे ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं।